वेलकम टू द एस्ट न्यूज सीरीज, जिसमें आपको देता हूँ हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज और सुपर हीरो टीवी सीरीज से रिलेटेड सारे न्यूज। तो आज भी मैं आपके लिए मार्वल डीसी और कई ऑसम टीवी सीरीज से रिलेटेड कई ऑसम न्यूज लेकर आया हूँ। पर उससे पहले आप मुझे इस पोल में ये वोट करके बताओ कि क्या आपको डीसी की डार्क टोन ही पसंद है या आप डीसी की मूवीज को मार्वल की मूवीज की तरह सेमी लाइट टोन में देखना पसंद करते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि डीसी की मूवीज डार्क टोन में आने चाहिए या सेमी लाइट टोन में आने चाहिए, या आप मुझे इस पोल में अपना वोट करके बता सकते हो। पर उसी के साथ आप अपने प्यार और सपोर्ट के साथ इस वीडियो को भी लाइक एंड पूरा कर देना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की पहली न्यूज है एमसीयू की अपकमिंग मूवी ब्लैक विडो मूवी को लेकर। सो गाइस, अभी ब्लैक विडो मूवी को रिलीज होने में सिर्फ 100 से कम ही दिन बचे हैं, जिसके बाद अब इस मूवी को लेकर बहुत सी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। सो अभी हाल ही में ब्लैक विडो मूवी के फनको पॉप टॉय रिवील हुए थे, जिसमें इस मूवी के हर एक कैरेक्टर का ऑफिसर लुक रिवील हुआ है। बट यहाँ ये इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ब्लैक विडो के इस फनको पॉप टॉय में ब्लैक विडो को पिम पार्टिकल के सिमिलरी किसी थिंग को होल्ड करे हुए दिखाया गया है, जो ये टीज कर रहा है कि इस मूवी का प्लॉट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। साथ ही इस मूवी में ब्लैक विडो किसी अदर टाइमलाइन या कहा जाए किसी अदर यूनिवर्स में अलाइव हो सकती है। फिलहाल एक फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब कैप्टन अमेरिका वॉर मीर पर सोल स्टोन रखने गए थे तो उसकी वजह से ब्लैक विडो अलाइव हो गई थी, जिसके बाद जब कैप्टन अमेरिका वॉर मीर पर ब्लैक विडो को अलाइव देखते हैं तो वो उसको उसके मेन टाइमलाइन में जाने के लिए कुछ पिम पार्टिकल देते हैं, जिस वजह से जो इस मूवी में जो ब्लैक विडो दिखाई जा रही है वो पिम पार्टिकल की वजह से एमसीयू की टाइमलाइन में आई है और वो अभी जिंदा है, ऐसे इस फैन थ्योरी में कहा गया था। तो गाइस, आपको ये फैन थ्योरी कैसी लग रही है और क्या ये इस मूवी में सही हो सकती है, ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये फैन थ्योरी पूरी तरह से सही साबित हो। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एमसीयू में न्यू कैप्टन अमेरिका को लेकर। सो गाइस, आने वाली टीवी सीरीज में व्हाइट रसल का कैरेक्टर या विंटर सोल्जर का कैरेक्टर या फैल्कॉन का कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर न्यू कैप्टन अमेरिका बनेगा, वो हमें आने वाली फैल्कॉन विंटर सोल्जर टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। फिलहाल अब जो सेट फोटोज आई है उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो गया है कि एमसीयू का न्यू कैप्टन अमेरिका कौन बनेगा। सो अभी हाल ही में ये कुछ सेट फोटोज आए हैं जिसमें व्हाइट रसल के कैरेक्टर को गवर्नमेंट के कैप्टन अमेरिका यूनिफॉर्म में देखा जा सकता है। पर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ व्हाइट रसल के पास कैप्टन अमेरिका की सील है, जो फिलहाल एवेंजर्स एंडगेम की एंडिंग के अकॉर्डिंग फैल्कॉन के पास होनी चाहिए थी, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जा सकता है कि मे बी इस टीवी सीरीज में दो दो कैप्टन अमेरिका की सील को दिखाया जाएगा। वैसे अभी तो जितना ही प्लॉट रिवील हुआ है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि जो फैल्कॉन का कैरेक्टर है या जो विंटर सोल्जर का कैरेक्टर है वो एमसीयू का न्यू कैप्टन अमेरिका बने या न्यू कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी ले, क्योंकि उन्होंने सोकोविया अकॉर्ड्स पर साइन नहीं करे थे, जिसके बाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से व्हाइट रसल का जो कैरेक्टर है उसको न्यू कैप्टन अमेरिका बनाएगी, जिसके बाद हमें व्हाइट रसल के कैरेक्टर के बीच में और फैल्कॉन के कैरेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और यही इस टीवी सीरीज का मेन प्लॉट होने वाला है। तो गाइस, अभी बैटमैन मूवी की शूटिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, जिसके बाद एक के बाद एक हमें बैटमैन के कैरेक्टर के बहुत से न्यू लुक या न्यू सेट फोटोज देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद अब एक न्यू सेट फोटोज आया है जिसमें कॉलिन फेरेल का जो पेंगुइन लुक है वो कंफर्म हो चुका है, जिसमें कॉलिन फेरेल के इस मूवी में पेंगुइन लुक को आसानी से देखा जा सकता है। वैसे इससे पहले कॉलिन फेरेल की एज पेंगुइन इमेज इंटरनेट पर आई थी बट वो इमेज पूरी तरह से क्लियर नहीं थी। अब अगर इसके बाद इस मूवी में कैटवुमन के रोल प्ले कर रही जोई क्रैबडिज के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अभी हाल ही में ऐसे हिंट दिए हैं कि उनका कैटवुमन का वर्जन कुछ हद तक मिशेल पाइफर के कैटवुमन वर्जन के ही सिमिलर है। वैसे अगर आपको नहीं बताया तो मिशेल पाइफर ने 1992 की बैटमैन रिटर्न्स में कैटवुमन का रोल प्ले करा था, जिसको लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद करा था क्योंकि वो उस मूवी में बहुत ही ज्यादा हॉट लगी थी। तो गाइस, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो गाइस, अगली गुड न्यूज है कैप्टन अमेरिका के सीक्वल को लेकर। तो गाइस, अभी जैसे रूमर क्रिएट हो रहे थे कि मार्वल बहुत ही जल्दी कैप्टन मार्वल का सीक्वल को अनाउंस कर सकता है, फिलहाल इसको ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं करा गया, लेकिन मार्वल के जो अंदर के सोर्सेज हैं उनकी तरफ से कुछ अपडेट आई है। सो अब कैप्टन मार्वल के सीक्वल पर ऑफिशियली मार्वल स्टूडियोज के अंडर वर्क स्टार्ट हो चुका है, जिसमें वांडाविजन टीवी सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर मेगन मैकडोनल्ड को स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हायर किया जा चुका है। साथ ही मार्वल अब कैप्टन मार्वल के सीक्वल के लिए किसी अदर फीमेल डायरेक्टर को सर्च कर रहा है जो इस मूवी के डायरेक्ट कर सके, क्योंकि फर्स्ट मूवी के डायरेक्टर इस मूवी के लिए रिटर्न नहीं हो रहे हैं। वैसे ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैप्टन मार्वल 2 में क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि कैप्टन मार्वल जो फर्स्ट मूवी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो एवेंजर्स एंडगेम की जो हाइप बन रही थी उसका पूरा फायदा कैप्टन मार्वल मूवी को मिला था। तो गाइस, देखते हैं कि कैप्टन मार्वल 2 में क्या दिखाया जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है नेटफ्लिक्स के अपकमिंग टीवी सीरीज को लेकर। तो गाइस, अभी हाल ही में जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग द विचर का जो सीजन 2 होने वाला है उसके लिए सभी फैंस को 2 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा, यानी कि इसका सीजन 2022 से पहले नहीं आने वाला है। लेकिन इन 2 ईयर्स के बीच में सभी फैंस द विचर को ना भूल जाए उसके लिए नेटफ्लिक्स एक न्यू स्कीम लेकर आया है। सो इन 2 ईयर्स के अंडर नेटफ्लिक्स द विचर की एक और न्यू टीवी सीरीज लेकर आएगा, जो फिलहाल एनिमे स्टाइल में एनिमेटेड टीवी सीरीज होगी और इसका टाइटल होगा द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ। फिलहाल इसमें बहुत से न्यू थ्रेट और मॉन्स्टर को दिखाया जाएगा,
जिससे गेराल्ट और रविया बैटल करेगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो इन सभी कैरेक्टर को वही सब एक्टर डब करेंगे जिन्होंने लाइव एक्शन सीरीज में उन कैरेक्टर्स को प्ले करा है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक और ऑसम शो एल्ट्रेड कार्बन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसके अकॉर्डिंग इसके सीजन 2 का ट्रेलर कुछ दिनों में ही रिलीज हो जाएगा। साथ ही इसका सीजन 2 रिलीज हो रहा है 27 फरवरी को। फिलहाल आप सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि इसका जो सीजन 1 है वो नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में अवेलेबल हो चुका है, तो आप इसके सीजन 1 को हिंदी में देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस टीवी शो को आप जरूरी देखना, क्योंकि जो इसकी स्टोरी है, जो इसकी जो मिस्ट्री है और जो इसके VFX हैं वो एकदम से अलग ही लेवल के हैं। आपको ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो फाइनली रॉकस्टार गेम्स की तरफ से भी ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि रॉकस्टार गेम्स का नेक्स्ट गेम GTA 6 ही होगा। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर जेड मूवी के प्रोड्यूसर ने इस मूवी के सीक्वल को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें वर्ल्ड वॉर जेड के यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा प्यार है और हमें अभी तक नहीं लगता कि अभी वर्ल्ड वॉर जेड की स्टोरी ओवर हुई है। सो मे बी कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर जेड के सीक्वल तो जरूर आएगा ही। साथ ही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स बहुत जल्द ही पोकेमॉन म्यूटो स्ट्राइक बैक टाइटल की एक न्यू एनिमेटेड टीवी सीरीज बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाला है, जो कि सभी पोकेमॉन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। तो गाइस इस तरह से यही थी आज की सभी न्यूज और इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की सभी न्यूज पसंद आई होगी। और इससे पहले अगर आप मेरे को पहली बार बोलते हो सुनने और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।